जो गीत गाया है मेरे वतन के लोगों को सारे संसार में, और ये चित्र मुझे मिला है बहुत बोला चाहिए कल्पना से बाहर गिरा ना। बाकी ये स्टूडियो का है, स्टूडियो के अंदर गीत गाते हुए हमेशा उन्होंने जीवन के हर समय हंसते हंसते मुकर किया, गंभीरता उनके जीवन में बनी हुई थी। और आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। शुरू की मल्लिका और लता जी आप हमारे बीच नहीं थे। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में अपने अपने से सौगातें दे रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रहेजा क्लासिक क्लब, जहां पर लता जी की कुछ पेंटिंग है, जो फोटो आपने आज तक देखा नहीं वैसे पेंटिंग है जिन्होंने तैयार किया, हम उसकी बात करें। राज सैनी है जो भोपाल से है, करके हम आपको सारी पेंटिंग दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया
कितने सालों से अगर बात करें सर, कितने सालों से आप ये बनाते आ रहे हैं? आपके मार्च के लिए की इसमें जो काफी कुछ ऐसी पेंटिंग है जो शायद किसी ने आज तक नहीं देखी, तो ये इसके बारे में बात करें क्या? ये पर्सनल पेंटिंग उनके रूप की है, इसमें उन्होंने दो डॉगी बात रखे थे और किसी पुराने प्रयास में ये सब वही जब मैंने बताया कि जब उन्होंने उन्होंने अपने आप को समर्पण ना करके बल्कि उनके हर पड़ाव में उन्होंने केवल सती को ही ये जो है उनके जो अनुपम और अनोखे चित्र थे उन चित्रों के एक एक चित्र बना के मैंने बनाता गया और ये दिमाग में था कि जल्दी से जल्दी ऐसा मौका है कि मैं दादा जी को ये सारी चीज़ें समर्पित कर पाऊँ। मैम बूम किधर? प्रीति ऐसे रख लेते हैं आगे ऐसे करके यहाँ पे टेस्ट ड्राइव किया था उसकी जो कुछ बहुत बढ़िया।
और क्या ये सब सब दिया लगाना फिर क्या तो दूर से लेना ज्यादा मिले रहेगा थोड़ा बोल रहा है और पीछे आना भाई जूम करो थोड़ा तो बीच में आपकी कीजिए नजर आपके कीजिए तो थोड़ा पेड़ मिलेगा बैकग्राउंड पे अच्छा जी का जो पहचान है बहुत यंग फोटो है ना सर इधर आ जाइए इधर आ जाइए कैंडल में थोड़ा पीछे चलो ना अरे भाई भाई चल अच्छा अच्छा कोई भी जगह है ना अभी लाइट कैंडल सर वाले एक एक तो एक अनिल जी एक हां सब साथ में है चलो पीछे जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आते रहो भाई सर एक तो चलो तीन तीन लोग फुटेज मारो चलो आओ आओ सर थोड़ा आगे आगे पीछा दो मिनट में कोई और वेट कर रहे हैं उनको पहले एटेंड कर लूं ओके सर कोकिला लता मंगेशकर का हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो अपनी तमाम यादें छोड़ गई हैं लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो अपनी तमाम यादें हम सबके बीच छोड़ गई हैं। अब उनकी याद में एक कला प्रदर्शनी लगाई गई है उनके चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई गई है चित्रों को बनाया है तो बचपन से लेकर अब तक 92 साल तक की उम्र की जो तस्वीरें हैं इसके पीछे मैं अफीफा नडियादवाला फिल्म प्रोड्यूसर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पर इस महफिल में मैं हूँ मैं इनकी तरह गा तो नहीं सकती पर बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच अब लता जी नहीं रही लेकिन मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि बचपन से लेके आज तक हमें इनके गाने सुनने और गाने और फिल्मों में बड़े पर्दों में देखने का मौका मिला है इनसे बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत करना सीखा है इनके गानों से इनके गानों में हमने अपना दुख भी बयान किया है ज़िंदगी को कैसे जीते हैं इनके साथ इनके गानों के साथ ये सारे उतार चढ़ाव हुए हैं और मैं अल्टीमेटली बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिल जी की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया है एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन मैन ऑफ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम मी एंड ही हैज़ डन सो मच फॉर एवरीबॉडी दैट आई एम रियली 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 हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव नोन यू अनिल जी
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हमने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जीबिशन है जो एग्जीबिट हुआ है उनका काम, ये बहुत इसे सोचना और फिर उसको करना, ये दिस इज नॉट इजी। जो फिलैंथ्रोपी आपकी रही है, दिस इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, एंड टुडे ब्रिंगिंग हर अलाइव मिथ्स ऑल ऑफ अस ऑन सच अ ब्यूटीफुल डे ऑफ लव वेयर पीपल सेलिब्रेट लव विद हर सॉन्ग्स, व्हाट डू यू हैव टू से? देयर आर टू थिंग्स। आज का दिन इट्स ऑल अबाउट लव, एज यू रेडली सेड। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता ही है, कभी कमी नहीं आती उसमें, बट वो पहल हमें करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी सी हमारी टीम है एम्पल मिशन की, वो इस कारवा को आगे लेके बढ़ती रहे। आज एक ऐसा दिन भी है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जितना सुकून और अमन इस देश में आज है, उनकी बदौलत है। उस एक एक शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज हमारे लिए बहुत आसान है एक कमरे में बैठना जहाँ एयर कंडीशन चल रहे हैं, मैं आप मीडिया भाइयों के सामने बैठा हूँ, बट उस बॉर्डर पे जो कुछ भी आज वो फेस करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, हम कितना भी कर लें उनके लिए बहुत कम है। लेट्स ईच वन ऑफ अस अप्लॉड ऑल द एफर्ट्स टेकन बाय देम फॉर मेकिंग दिस कंट्री अ वेरी ब्लिसफुल, और एक आज़ाद देश में जो जीने का लुक्स हम उठा रहे हैं उनकी वजह से उठा रहे हैं। लता दीदी, एक सपना था हमारा कि हम उनके दर्शन कभी कर पाए। सनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास रखा कि दीदी को मिलना है। मैंने कहा सर मैं एक आम आदमी हूँ, दीदी तक पहुँचना मुश्किल है, कोई तरीका ढूँढते हैं। हर किसी के हमारे जीवन में माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है। वो सोच के सबसे पहले पेंटिंग जो राज सैनी साहब के साथ हमने बैठ के बनवाई वो उनके पिताश्री की, कि शायद वो पेंटिंग अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो दीदी हमको अनुमति दे कि हम उनकी ये गैलरी क्रिएट कर सकें। सैनी साहब सौभाग्य हमारा रहा नहीं, लेकिन ये कारवा हमने शुरू कर दिया कि शायद जब वो 100 साल की होंगी तब ये कुछ हम उनको प्रेजेंट कर सकें। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है। इसीलिए आज का ये दिन जो अमन प्यार और शांति का दिन है, विच वी कॉल इट अ वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसी ब्लेस्ड सोल थी वो जिन्होंने सबको प्यार बांटा, और उनके लिए आज से बढ़िया दिन श्रद्धांजलि के लिए हमने और कुछ नहीं सोच पाए। हमने कहा इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता है। दिल भर आता है ये सोच सोच कर कि शायद हम कभी उनसे मिल पाते, वो हमारे साथ ही हमारे दिलों में दफन रहेगा और हम भी एक दिन ऐसे ही दुनिया छोड़ देंगे। बट यस ब्लेस्ड वी आर कि हम कम से कम ये काम कर पाए। अफसोस नहीं है सनी साहब, लेकिन ये दिल भरा रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, खासकर मैं आप सभी मीडिया भाइयों को जो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं, कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पिछले 6 महीने तो मैं निरंतर प्रयास करता रहा, बट मुझे यही पता चला उनकी तबीयत खराब है, नासाज है, क्रिटिकल हैं वो,
और वो किसी से नहीं मिल रही हैं, वो अपने आप में जाहिर सी बात है कि कोविड भी रहा उनको आज के दिनों में। जैसे मैंने कहा, पूरा प्रयास किया मैंने लास्ट के 6 महीने सनी साहब, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था। हम शायद ऐसे ही उनके दर्शन लिखे थे हम, अगर वो मिल जाती तो हम भाग्यशाली रहते, सौभाग्य होते, हम सौभाग्यशाली रहते। भोपाल से आप हैं, भोपाल से सनी साहब हैं, भोपाल से लता दीदी थी, आई हेल फ्रॉम राजस्थान। बट मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया भाइयों को, हम स्टेट्स में नहीं बटे, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। एंड दैट्स द होल क्राइटेरिया कि ये हिंदुस्तान की फनकार थीं और इन्होंने इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया जाने के पहले। जिंदगी में कलाकार की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने बात को छोड़ जाए और जो भी विधा ईश्वर उसको देता है या ईश्वर की चुनी हुई योजना होती है कि संसार में जो भी काम ईश्वर को कराना होते हैं उसके लिए वो कोई ना कोई जरिया बनाता है, किसी को माध्यम बनाता है और उस विधा को समाज में लाता है। ऐसी ही मेरी अपनी एक कलाकार होने के नाते इच्छा थी कि कलाकार, साहित्यकार, कवि जो भी होते हैं इनको सामूहिक विषयों पर काम करना चाहिए। और इसमें मेरी आदर्श लता जी बनी कि उन्होंने भारत रत्न हासिल किया, संपूर्ण विश्व में अपनी आवाज़ को स्थापित किया, लोग उनके गले के ऊपर रिसर्च करने की बातें करते थे और कहीं कहीं ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं कि उनके गले में ऐसा क्या था कि जो आखिरी समय तक ऐसा रहा। और हिंदुस्तान में गरिमापूर्ण उन्होंने अपना जीवन जिया। कलाकार होने के नाते मेरी इच्छा हुई कि हम अनिल सर के माध्यम से मिलके और लता जी का एक बहुत बड़ा जन्मोत्सव करें और जिसमें उनके बचपन से लेके और जिस उम्र में 3 साल पहले की बात थी तब तक के हम सारे चित्रों को प्रदर्शित करें। इसमें मेरा अपना स्वार्थ जो था कि एक चित्रकार होने के नाते लोग मुझे जानेंगे, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया के मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा कि जिसमें मैंने लता जी की एक इतनी बड़ी सीरीज बनाई। क्योंकि चित्रकारों ने कभी किसी ने एक चित्र बनाया, किसी ने 2 बनाए, कहीं 1 लगाया, कहीं 2 लगाए, लेकिन मैंने पूरी सीरीज सर के माध्यम से सारी सामग्रियां जुटा के, सारे प्रयास करके और उनको बनाना शुरू किया तो 3 वर्षों तक ही लगातार करती रही। इन 3 वर्षों में ये बात छुपी थी कि सर को मैंने बोल रखा था कि आप अपने प्रयास जारी रखिए और शायद अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई बात नहीं होगी या अप्रत्यक्ष रूप से ये बात स्पष्ट कर दूँ, मैं स्पष्ट रूप कर दूँ कि सर ने बहुत प्रयास किए और वो प्रयास सार्थक ना होने के पीछे जो योजना थी वो शायद आज का दिन था कि उन सारी चीज़ों के पीछे जो बात छुपी थी। आज लता जी जहाँ भी होंगी, आज जहाँ भी ईश्वर के चरणों में उनको जगह मिली है, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए जब प्रेयर की जाती है तो ये कहा जाता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग किसी चीज़ का नाम लें या किसी चीज़ की प्रेयर करें या किसी के लिए प्रार्थना करें वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है, ऐसा माना जाता है। आज हम जानते हैं कि लता जी की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा सब कुछ जो कुछ हमने उनके प्रति किया है इन चित्रों के माध्यम से वो हमेशा अमर रहेंगी। और मैं ये जानता हूँ कि हर कृति के बाद चित्रकार अमर होता है तो उस अपनी कृति के बाद, वो गायन के क्षेत्र में अमर हैं, लोक चित्रकला के क्षेत्र में अमर हैं। आज अनिल जी को ईश्वर ने चुना कि समाज में ऐसे काम करें कि जिनको ज़रूरत है उनकी, उनके लिए वो काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जिसमें जीने की ऊर्जा बढ़ती है। आज उसी रूप में उन्होंने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद। जी कम से कम ये मान के चलिए कि इनको अगर इसी तरीके से संभाला गया तो 100 वर्ष तक की सामान्य तौर पर इनकी उम्र है कि 100 वर्ष तक इनके केवल कलर में बहुत थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन ये पेंटिंग कहीं भी म्यूजियम में कहीं भी सुरक्षित अगर रहती हैं तो ये पॉसिबल पेंटिंग है कि कभी भी आप इनको गीले कपड़े से, पानी से और इनको आप साफ कर सकते हैं। इनका कुछ फाइनली मैं ये निदान पे निकल पाया कि CPA को ये पेंटिंग्स हम डोनेट करेंगे, तो कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन,
और इसमें जो कुछ भी वो इसका निदान निकाल पाए वो सारी चैरिटी कैंसर पेशेंट्स को जाएगी। दैट इज अ वेरी क्लियर थॉट ऑन दैट। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो होते हुए भी हैं और नहीं होते भी हैं, तो लता जी नहीं होकर भी वो हमारे लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए वो योगदान रहेगा जिसका जरिया है अनिल जी। नथिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स टू शिखा, थैंक्स टू साक्षी, थैंक्स टू सनी साहब, थैंक्स टू अफीफा जी जिन्होंने अपना समय निकाला और अनिल को कहीं लायक समझा इसलिए अपना टाइम दिया और यहाँ पहुँचे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, यू बीइंग टू मॉडेस्ट नाउ। आई मीन इट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। स्वीट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस एनीवन? मैं यही सर पूछना था। आदेश? हाँ यस सर, कैसे हैं आप? तो ये पूछना था कि ये जो आप इतना मेहनत से इतना जो वैल्यूएबल पेंटिंग्स हैं, तो इसका आपने अभी आंसर दे दिया कि दिस विल गो टू कैंसर सोसाइटी, व्हिच इज अ वेरी नोबल गेस्चर। और अनिल जी चैरिटी के लिए ऐसे भी मशहूर है, ये गुपदान भी करते, ये जहाँ लोगों को देखते वहाँ उनका हाथ यूं ही रहता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम दैट इवन नाउ ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल। दैट्स रियली वेरी रेयर क्वालिटी दैट समबडी कैन हैव। एंड आई थिंक वो खुद से नहीं बताएं बट ही हैव बीन ट्राइंग हार्ड प्रीवियसली इन सब चीज़ों को करने की, बट पीपल हैव टेकन इट इन कमर्शियल वे और पीपल हैव थॉट अ डिफरेंट यू नो थिंग अबाउट हिम, बट वो उनका उनकी कोई मंशा नहीं थी और सांच को आज नहीं तो आज सामने है कि उन्होंने ये कर दिखाया और सेल्फलेसली इज डूइंग इट, अपने लिए नहीं, बिल्कुल भी अपने लिए। और कैंसर पेशेंट्स के लिए उनको इस मतलब ये सब करने के लिए उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, ही जस्ट डिड इट फॉर द पीपल। नहीं सर वो अमर है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा सर। अभी जैसे पारुल जी ने कहा कि इनको पूछा इनकी लाइफ कितनी पेंटिंग्स की, मैं तो यही कहूँगा हम रहे ना रहे पेंटिंग जरूर रहेगी। वो भी उनकी गाना था, हम रहे ना रहे। सो पार्टिंग मूव पे आई एम श्योर जस्ट बिफोर वी वाइंड अप वी वुड लाइक टू हियर वन मंथ सॉन्ग ईच फ्रॉम लता जी। हां इन दोनों से गवा लो, बाकी तो तीन बेकार है। नहीं नहीं मेरी आवाज सुन लेंगे वो वहां से भी तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो अनिल जी। सर यहाँ पर सैनी सर अनिल जी सर मैं इधर यस मैम उधर देख लो इधर देख लो वहाँ पे देखना है यस सर मतलब कैमरे को देखना आप ही इधर साक्षी समोर हेलो अनिल मुरारका जी जो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और समाज सेवा करते हैं, आज लता जी की याद में जो एम्पल मिशन ने ये एग्जीबिशन रखा, क्या कहना चाहिए इस चीज़ को लेकर? अनिल मुरारका जी के लिए मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि वो पद्मश्री के हकदार हैं और बहुत सारे अवार्डों के हकदार हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के नाते उनका दिल बहुत बड़ा है। बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कला क्षेत्र में भी
अपना रुझान दिखाते हैं, और न केवल रुझान दिखाते बल्कि उसके लिए अपना समय निकालते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। आज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लता जी का पूरी दुनिया में जिस तरह से लता जी को नमन किया जा रहा है, मिस किया जा रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है, हालांकि उनका काम तो दुनिया में रहती, दुनिया तक जब तक है दुनिया, जब तक सूरज चांद रहेगा लता जी का आवाज़ रहेगा, लता जी हमें प्रेरणा देती रहेगी, लेकिन उनके शारीरिक रूप से जाने से आज हमारे बीच नहीं है, तो कई देश और दुनिया में उनको अलग अलग तरीके से इमोशनली याद किया जा रहा है। लेकिन ये जो मैंने प्रसंग देखा है वो मेरे नज़र का सबसे सबसे प्रेरणादायी प्रसंग है, जहाँ पे लता जी के हर मूड की तस्वीर को, इनके 100 से ज़्यादा तस्वीरें हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है म्यूज़ियम में, एग्जीबिशन में, और उनको प्रणाम किया जा रहा है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे प्रसंग का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे आज यहाँ पर दीदी के हर प्रसंग की तस्वीर के सामने खड़ा होकर मुझे प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि साक्षात भी उनके सामने और उनके पैरों को छूने का मौका मुझे मिल चुका है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो ऐसे प्यारे प्रसंग को हमारे भाई अनिल जी ने, अनिल सर, अनिल मुरारका जी ने, जो एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं लेकिन कला प्रेमी हैं, कलाकारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और साथ साथ मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूँगा कि जितने भी उच्चतम पारितोषिक होते हैं भारत के, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण, सबसे सर को नवाजा जाए, क्योंकि बहुत सालों से ये ऐसा कला की सेवा कर रहे हैं, कलाकारों की सेवा कर रहे हैं, कलाकार के साथ है। और आज लता जी के लिए जो प्रसंग तैयार किया है इसमें मैं भावुक हो गया, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लता जी को तो बस यही कहना चाहते हैं लता जी के लिए कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि मेरी आवाज ही पहचान है। लता जी ने खुद कह दिया कि मेरी आवाज़ ही पहचान, और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, लता जी की आवाज़ रहेगी, क्योंकि लता जी हर घर में हमेशा शामिल से रहेगी। कि सुबह आरती लता जी की आवाज़ में होती है, माँ लोरी आवाज़ लता जी की आवाज़ में, रोमांटिक गाने। भाई सिंपल बात यह है, हम रहे ना रहे, हाँ, ये आवाज़ गूंजती रहे, इसके लिए भी गा रहे ना रहे हम। तो लता जी आप प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं, आप माँ सरस्वती है, आपको हम भक्तों की नमन वंदना है। आप हमें ऐसी ही प्रेरणा देते रहिए, और आपका आशीर्वाद आप हमेशा हमारे साथ। सर आपने जो मतलब आपको ये आर्ट एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज किया है, क्या मतलब इंस्पिरेशन रहा है, मतलब डेथ उनका हुआ है, मतलब बहुत दुख हुआ हर किसी को, इतना बड़ा रत्न हमारे बीच नहीं आया, ये एग्जीबिशन के द्वारा क्या मतलब आप इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को? तो मैं इंस्पायर करने के लिए मैं कौन हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, बट ये बेसिकली इसलिए आज रखा गया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, हम तहे दिल से चाहते थे कि दीदी के दर्शन हम कर सकें। मैं पिछले 2.5 साल से निरंतर प्रयास करता रहा, पर एक आम आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है, मैं नहीं पहुँच पाया उनके पास। लास्ट के जो 6 महीने गुजरे जब उनकी तबीयत और ज़्यादा नासाज हुई, मेरा निरंतर प्रयास रहा कि एक बार उनके दर्शन हो जाएं। शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो आज ये कि हमारी हिंदू संस्कृति में वैलेंटाइंस डे का कोई महत्व नहीं है, बट वैलेंटाइंस डे क्योंकि प्यार का प्रतीक है, और दीदी खुद अपने आप में प्यार का प्रतीक रही, मतलब इस दिन से बेहतर दिन क्या हो सकता है उनको श्रद्धांजलि देने का, इसलिए आज का दिन हमने ये डिसाइड किया और इसको आगे लेके बढ़े। बाकी एम्पल मिशन से आप बहुत नेक कार्य करते हैं, ये तो एक है, आगे चल के क्या करने वाले हैं, ऐसा अनूठा ऐसा नेक जो बना चाहेंगे आप? कारवा है, कोशिश है हमारी कि ये चलता रहे। हिंदुस्तान में तकलीफें इतनी ज़्यादा है, अगर आप एक या दो लक्ष्य लेके चलेंगे तो बाकी और जो तकलीफें हैं उनका क्या। हम कभी भी ये नहीं बोलते हम एक या दो चीज़ लेके चल रहे हैं, हमारा ये जुनून है, ये यूथ का पैशन हमारी टीम का, कि जो कोई भी तकलीफ हम आज एड्रेस कर सकें करते चलें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट कर रहा है एम्पल मिशन, लता जी का जो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स का एग्जीबिशन हुआ है, डिस्प्ले हुआ है फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड फॉर पीपल टू सी, व्हाट डू यू हैव टू से? दिस इज अ सरप्राइज फॉर माय डे। मुझे लगता है आर्टिस्ट हैं हम सब, अपनी धुन में रहते हैं, कुछ कर रहे हैं, करते हुए एन इनविटेशन लाइक दिस, लता जी की पेंटिंग्स, वो एग्जीबिशन, इट्स अ लेजेंडरी ट्रिब्यूट
a tribute like this from an artist to an artist would always be a history and it will remain like this. I think ये बहुत inspirational बात होती है कि हम किसी के लिए जीते हैं, उनको express करते हैं. Sir, ये paintings, sir का effort for everything to be organized at this beautiful level. जी का ना हम सब वी ओनली एड ऑन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम शायद जोड़ सकते हैं, लेकिन ये असली क्रेडेंशियल सर के हाथों से जो ऊपर वाले ने कराया है. नहीं नहीं, बहुत सर हर चीज थोड़ी थोड़ी हम सभी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट कि आप थोड़ी कर रहे हो, आप अपने आप में भी एक फनकार हैं. जी नहीं सो दादा जी, हम सब थोड़ी थोड़ी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट लता जी के लिए हम ट्रिब्यूट के इस स्टेज पे आए हुए हैं. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू लिव फॉर एन आर्टिस्ट. मुझे लगता है मेरी जिंदगी जाने तक ये वो मोमेंट्स हैं जो हमारे मेडल्स हैं और हमारे अंदर लगे रहेंगे कि ऐसी एक सभा में हमारा इंट्रोडक्शन था. आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हियर. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई वुड हैव अ डे लाइक दिस कंप्लीटेड टू एन एग्जीबिशन दिस ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक्स फॉर कमिंग. ये ज़्यादा छोटा मोटी बात नहीं है. बनारस में एक ही मंदिर है हिंदुस्तान में. अच्छी सुना शंकर मोचन जी का. अच्छा उसका तो हम ये कहेंगे दफन कर तुझसा तेरे बाद तेरे हाल का दफन कर. ये ऊपर वाला ऐसे आया, दिस इज हाउ ही हैज कम. बहुत जल्दी मुझे लगता था कि यार मैं नास्तिक हूँ, मुझे ऐसा लगता था मेरे माँ बाप की सेंस थे और एक कोई जर्नी थी. चलो नास्तिक से बड़ा आस्तिक कोई नहीं था, बता रहा हूँ मैं. तो वो होते होते ऐसे एक बार किया है. एक बार इससे पहले माउंट मैरी के पास था तो किसी से क्रॉस आए. तो this is how it all breaks everyone. I'm so thankful for this. मुझे लगता है हनुमान जी हैं तो ये जोरदार तालियों की blessing सबसे ज़्यादा है कि ये हमारी life में add हो रहा है. This is a lot of strength.